जो मेरे कार्यकाल में 10-5% गांव विकास से अछूते रहे होंगे, उन सारे गांवों को सबसे पहले संपर्क मार्गों से जोड़ने का काम, और 5 साल के अंदर जो उस क्षेत्र की दुर्गति हुई है कि 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए लोग चिल्लाते रहे कि हम गड्ढा मुक्त कर रहे हैं, लेकिन गड्ढा मुक्ति के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया गया, जो हमारे क्षेत्र की सड़कें चलने लायक नहीं बची हैं, वो सारे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की प्राथमिकता होगी। और सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार बनने के बाद जो पूरे प्रदेश के अंदर, वो केवल पूर्वा या उन्नाव में ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जानवरों से किसान पूरी रात खेत काटता है, तमाम लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले इस प्रदेश के किसानों को अन्ना जानवरों से मुक्ति दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और जो आप पूछना चाहेंगे, परिणाम 10 मार्च को बताएगा, जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले के घोषित एक एक प्रत्याशी जब जीत के आएंगे, तब अपने आप जवाब मिल जाएगा।